नमस्कार, मैं दीक्षा कुलश्रेष्ठ और आप देख रहे हैं UP24 न्यूज। फिरोजाबाद के पालीवाल हॉल में नरेंद्र मोदी विचार मंच द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि चाणक्य रहे। उन्होंने बताया यह कार्यक्रम 601 जनपदों में किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य 2019 तक नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई योजनाओं को सीधा लोगों तक पहुँचाया जाएगा। इस समय नरेंद्र मोदी विचार मंच और इसके साथ में सारे सहयोगी संगठनों का एक कार्यक्रम था और उसके अंदर में अपने लोगों ने जो आगामी 2019 के अंदर में नरेंद्र भाई की योजनाएं जन जन तक पहुंचे, इसलिए हमने देश के 676 जनपदों के अंदर में एक परियोजना लागू की है। उसका नाम रखा हमने सेवा सेतु और उसका आधार अब नया नाम रखा हम लोगों ने है कि योजना सेतु। योजना सेतु का मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को सीधे जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इसमें अपने लोग काम करने वाले। देखिए, धर्मांतरण हमेशा भुखमरी और गरीबी से होता है और हम लोगों ने ऐसा लक्ष्य लिया कि हिंदुस्तान की 125 करोड़ देश की जनता कभी भूख से न सोएगी न बेरोजगार होगी और आने वाले 2019 तक ऐसा लगता है कि अपने लोग वो साकार रूप देने वाले हैं और उसके सुखद परिणाम भी आने लगे हैं। अपना लगता है कि जब पेट में रोटी मिलने लगेगी तो कोई भी व्यक्ति इस तरीके से घटनाएं नहीं करेगा। मान सकते हैं कि मतलब भारत में अभी भी भुखमरी है? अभी भी पूरे देश के अंदर में असुविधा और सिस्टम के कारण भुखमरी, आप यहाँ उत्तर प्रदेश तो है, और गरीबी का फायदा लोग उठा करके, सहानुभूति की फायदा उठा करके लोग रामलाल से रोबर्ट बनाते हैं, प्रहलाद से पीटे बनाते हैं, क्योंकि हम पूर्वोत्तर भारत के लगभग 14 साल पूर्वोत्तर के जंगलों में हमने काम किया है, इसलिए हम जानते हैं नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में क्या हो रहा था।